So now welcome to the fifth part of the chapter, that is advanced features of Microsoft Word. So children, here we are going to learn about that how to insert the clip art in the documents. Okay, so what is clip art? Clip art is a gallery of pre-designed picture that can be inserted directly in a document. Clip art एक pre-designed gallery है जो आप अपने documents में insert कर सकते हैं directly, ठीक है? अगर आपको किसी भी चीज़ की picture चाहिए, suppose you want to add a picture of computer, so you just simply insert, go to the insert and search the computer in your clip art section and you will find the picture of the computer and you just select it and insert in your document. So now here are some steps are given that how we can insert these clip arts in our documents. So there are some steps. The first one is place the cursor where you want to insert a picture. तो पहले आप अपने कर्सर को उस प्लेस पे रखेंगे जहाँ पे आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट बटन ऑन द इंसर्ट इन इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप. उसके बाद अपने क्लिप आर्ट बटन पे क्लिक करेंगे जो आपको इंसर्ट टैब पे मिलेगा. इंसर्ट टैब में आपको क्लिप आर्ट बटन मिलेगा, आप उसे क्लिक करेंगे एंड देन द क्लिप आर्ट टास्क पेन अपीयर्स टू द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट. फिर आपका जो क्लिप आर्ट होगा वो एक अलग से पेन, मतलब लाइक एक अलग सेक्शन में आपके स्क्रीन पे आ जाएगा राइट साइड आपके डॉक्यूमेंट्स में. ओके एंड देन टाइप द डिजायर्ड कीवर्ड्स इन द सर्च फॉर. उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ की डॉक्यूमेंट चाहिए आप उसके बारे में या उसके नाम आप उसे सर्च बॉक्स में लिखेंगे. टेक्स्ट बॉक्स दैट इज़ रिलेटेड टू द इमेज यू वांट टू इंसर्ट. सर्च बॉक्स में आप उस टर्म्स या उस टेक्स्ट को लिखेंगे जिसके बारे में आपको पिक्चर सर्च करनी है आपके पास एंड देन इट विल डिस्प्ले ऑल द क्लिप आर्ट इमेजेस रिलेटेड टू द कंप्यूटर. फिर आपके पास वो सारे कंप्यूटर से रिलेटेड सारी क्लिप आर्ट्स आपको शो करने लगेगा. नाउ व्यू द वेरियस क्लिप आर्ट इमेजेस यूजिंग द वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड क्लिक ऑन द डिजायर्ड क्लिप आर्ट इमेज टू इंसर्ट इट इन द डॉक्यूमेंट. उसके बाद अगर आपको और भी इमेजेस के बारे में देखना है तो आप एक वर्टिकल स्क्रॉल बार दिया होगा आपके कंप्यूटर पे, आप उसको क्लिक करिए और उसको स्क्रॉल करिएगा तो आपको और भी सारे क्लिप आर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे एंड नाउ यू कैन जस्ट चूज एनी वन ऑफ देम एंड इंसर्ट इन योर डॉक्यूमेंट. आफ्टर इंसर्टिंग द इमेज क्लोज द क्लिप आर्ट टास्क बार पेन बाय क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन. जब आप अपनी इंसर्ट क्लिप आर्ट कर लेंगे तो आप इंसर्ट क्लिप आर्ट बॉक्स को जो टास्क पेन होगा साइड में सेक्शन में दिया होगा उसे आप क्रॉस बटन पे क्लिक करके उसे क्लोज कर सकते हैं. अब मैं आपको बता दूँ टास्क पेन क्या होता है. लाइक दिस इज़ योर डॉक्यूमेंट एंड दिस देर आज अ सम अनदर सेक्शन लाइक दिस. ये आपकी स्क्रीन है और आपके इस सेक्शंस पे आपके क्लिप आर्ट्स आ जाएंगे और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे. ओके सो दिस इज कॉल्ड अ क्लिप आर्ट टास्क पेन. यहाँ पे आपके राइट साइड शो करेगा वेन एवर यू क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट बटन. सो चिल्ड्रेन दिस इज ऑल अबाउट द क्लिप आर्ट दैट हाउ यू कैन इंसर्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स. सो इट इज़ वेरी ईजी एंड सिंपल. सो चिल्ड्रेन लुक एट दिस इमेज. दिस इज द इमेज ऑफ द क्लिप आर्ट टास्क पेन where we can search anything and we can insert a clip art according to your requirement. So suppose here we are searching for the computer. So search for में आप computer search करें, आप computer type करिए और फिर go option पर click कर दीजिए. आपके पास सारे options मिल जाएंगे computers related. सारे clip arts देखिए आपको show कर रहे हैं और this is your scroll bar. आप इस scroll bar को नीचे जब आप scroll करेंगे तो आपकी ये जो images हैं आपको और भी options मिलेंगे computer से related. आप उसमें से कोई भी एक choose करके अपने document में clip art add कर सकते हैं. ओके सो और इफ़ यू वॉन्ट टू क्लोज दिस क्लिप आर्ट
just go and click on this cross button and you will find that your clip art box is closed. So this is all about your clip art. So thank you and have a nice day and be safe.